इसराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला किया है। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में किए गए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है, जिसमें हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में शिपिंग लेन की तरफ दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को एक जटिल ऑपरेशन कहा है और दावा किया है कि उसने हमलों को विफल कर दिया है। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में अभियानों की देखरेख करने वाले अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने मंगलवार को कहा कि कई एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से दक्षिणी लाल सागर में लॉन्च किए गए थे। सेटकॉम ने आगे कहा कि एक तरफा हमला करने वाले 18 ड्रोन, 2 क्रूज मिसाइलों और 1 बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका और ब्रिटिश युद्धपोतों ने मार गिराया है। अमेरिकी कमांड की माने तो 19 नवंबर के बाद से लाल सागर में कमर्शियल शिपिंग लेन पर हूती विद्रोहियों ने 26वां हमला किया है। आपको बता दें कि इजराइल गाजा के बीच जारी जंग में हूती विद्रोही गाजा और हमास के समर्थन में है और हूती विद्रोहियों ने नवंबर में ही घोषणा की थी कि इजराइल की तरफ जाने वाले और इजराइल का समर्थन करने वाले सभी देशों के जहाज उसके निशाने पर होंगे। कुछ समय पहले अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित कुल 13 देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी गई थी कि यदि लाल सागर में जहाजों पर हमला नहीं रोका तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हूती विद्रोहियों के लिए इसे अंतिम वार्निंग कहा गया था। इस वार्निंग के अगले ही दिन हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक विस्फोट कर दिया था। उसी समय यह तय हो गया था कि हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी चेतावनी का कोई असर नहीं है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के हमले समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार के लिए बड़ी बाधा है। इन हमलों के चलते कई देशों में जहां समय से माल नहीं पहुंच रहा है, वहीं इजराइल सहित अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है।